फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन व्हाट आई हैड गिवन यू अबाउट अ चैप्टर टर्म्स एज फ्रॉम पैरा 1, 2, and 3. लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट आउट द नेम ऑफ द आंट एंड टेल व्हाट रिलेशन शी हैज़ विद टॉम. मौसी का नाम बताओ और बताओ वो टॉम से क्या रिश्ता रखती है. द नेम ऑफ द आंट वॉज दैट पॉली. टॉम वॉज द सन ऑफ अ डेड सिस्टर. मतलब मौसी का नाम, उसकी मौसी का नाम था पॉली और टॉम उसकी मृतक बहन, मतलब कि उसकी बहन थी जो मर चुकी थी, उनका पुत्र था. वाई वॉज द लेडी स्टैंडिंग थॉटफुली. वो जो बूढ़ी औरत थी वो क्यों इस तरह से खड़ी थी, क्या सोच रही थी वो खड़े होते हुए. द आंसर इज दैट द ओल्ड लेडी वॉज स्टैंडिंग थॉटफुली बिकॉज इन स्पाइट ऑफ अ थॉरो सर्च शी कुड नॉट फाइंड टॉम. शी वॉज सरप्राइज वेयर ही वॉज. मतलब कि जॉन पॉली थी वो इसलिए खड़ी थी क्योंकि वो काफ़ी खोज के बावजूद वो नहीं खोज पा रही थी कि टॉम कहाँ है. इसलिए उसे वो कहाँ है इस बात का उन्हें आश्चर्य हो रहा था. लेट्स सी. थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई डिड टॉम नॉट रिस्पॉन्ड टू हर कॉल. वो उन्होंने कितनी बार टॉम को पुकारा लेकिन वो जवाब क्यों नहीं दी. तो टॉम डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ द ओल्ड लेडी बिकॉज देयर वॉज जैम इन हिज माउथ. ही वॉज स्टीलिंग एंड ईटिंग इट फ्रॉम द कपबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड टॉम एस्केप पनिशमेंट. टॉम एस्केप्ड पनिशमेंट बाई प्लेइंग अ ट्रिक ऑन हर. ही शाउटेड लुक बिहाइंड आंटी. When she looked behind, Tom got an opportunity to run away. मतलब कि टॉम मौसी के साथ एक चाल चलकर सजा से बच गया. जब वो चिल्लाया कि मौसी अपने पीछे देखो, जब उसने पीछे देखा तो टॉम को भागने का एक चांस मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन था Why did the old lady want to punish Tom? तो जो उसकी आंटी थी टॉम को सजा इसलिए देना चाहती थी क्योंकि उसके ऐसा ना करने की चेतावनी देने के बावजूद उसने अलमारी से जैम चुराया था. द ओल्ड लेडी वॉन्टेड टू पनिश टॉम बिकॉज इन स्पाइट ऑफ हर वार्निंग नॉट टू डू सो ही हैड स्टोलन जैम फ्रॉम द कपबोर्ड. अब हम इसके आगे का पैरा पढ़ेंगे. टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस. टॉम बहुत ही दुखी होकर घर से बाहर आया. इन अदर हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश. उसके एक हाथ में एक लंबा ब्रश था. इन द अदर और दूसरे में ही कैरीड अ बकेट विच वॉज फुल ऑफ वाइट वॉश. और दूसरे हाथ में एक बकेट लिया हुआ था जिसमें सफ़ेदी भरी हुई थी. मतलब उसको जो चार दीवारी की सफाई करनी थी उसके लिए पेंट उस दूसरे बकेट में था. इज हांट आंट वॉज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस. और उसकी आंटी चाहती थी कि वो पूरी चार दीवारी पर सफ़ेदी करे. टॉम लुकड सैडली एट द फेंस. टॉम ने चार दीवारी को बहुत ही दुख भरी नज़र से देखा. हाउ हाई इट इज़, यह कितना लंबा है, यह कितना ऊंचा है. ही थॉट इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वॉज 9 feet एंड इट्स लेंथ वॉज 30 yards. मतलब कि उसने सोचा कि वास्तव में इसकी ऊंचाई 9 feet और लंबाई 30 गज थी. टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश. टॉम ने अपने ब्रश को उस सफ़ेदी में डुबाया. ही ड्रू इट स्लोली अक्रॉस द फेंस. और एक छोटी सी निशान उस दीवार पे बनाई. इट मेड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क. और ये बहुत ही छोटी सी निशान थी. टॉम ट्राइड अगेन. टॉम ने दोबारा कोशिश की. अंदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क. उसने फिर से जो ब्रश थी उसको बाल्टी में डुबोकर और एक मार्क बनानी चाहिए लेकिन ये फिर से वैसी छोटी सी मार्क थी. टॉम सेट डाउन एंड साइड हैवली. टॉम वहीं बैठ गया और लंबी सांसें ली. ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हिज पॉकेट्स. उसने वो सारी चीज़ें जो अपने पॉकेट में उसने अपनी जेब में रखी हुई थी उसको बाहर निकाली. ही हैड सम मार्बल्स. उसके पास कुछ कंचे थे. सम पीसीस ऑफ स्ट्रिंग और कुछ डोरी के टुकड़े, कंचे डोरी के टुकड़े. एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज और 2-3 टूटे हुए खिलौने. नाउ वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दिस ही थॉट. अब उसने ये सोचा
कि कौन लेगा इसको, इस मतलब कि अब वो ये तरकीब लगा रहा था कि इस दीवार को कोई और भी कर दे इसके बदले, लेकिन वो सोच रहा था इनको कौन लेगा। नो आई मस्ट थिंक ऑफ अ बेटर प्लान, नहीं मुझे और अच्छा सोचना पड़ेगा और बेटर प्लान बनाने पड़ेंगे। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, और जल्दी उसके दिमाग में एक विचार आया। ही पिक्ड अप हिज ब्रश अगेन एंड बिगैन वर्किंग हार्ड, उसने जल्द से ब्रश निकाला और कठिन मेहनत करने लगा। बेन रोजर्स वॉज कमिंग डाउन, उधर से दूसरी तरफ से उसने देखा कि बेन रोजर्स जो उसका एक फ्रेंड था वो उसकी तरफ ही आ रहा था, उस गली से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, और टॉम ने बहाना किया जैसे वो उसको नहीं देख रहा था। ही वर्कड हार्डर दैन एवर, वो पहले से कहीं ज़्यादा और कड़ी मेहनत करने लगा। बेन वॉज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक एप्पल खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग दैट ही वॉज अ बिग शिप, और वो बहाने बना रहा था ऐसे जैसे कि वो एक मतलब वो अपने को एक शिप की तरह, जैसे वो शिप हो ऐसा मान रहा था। देन एंड ही वॉज रोलिंग लाइक वन, और उसी की तरह वो घूम रहा था, उसे ऐसा लगा जैसे वो एक शिप हो। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स इन अ लाउड वॉइस, और एक ऑर्डर के टोन में वो जैसे कि राजा हो कहीं का ऐसा वो ऑर्डर दे रहा था, जैसे वह जोर से आवाज़ में हुक्म दे रहा हो जिसको जहाज मानते हुए उनका पालन कर रहा हो। और वह बैंड वह टॉम के पास ऐसा करते हुए आया, वो जैसे कि वो अपने आप एक बड़ा पानी का जहाज हो और उसकी तरह चल रहा हो ऐसा बहाना कर रहा था, और वह जोर की आवाज़ में हुक्म दे रहा हो जिसको आवाज़ मानते हुए उनका पालन कर रहा हो। और वह टॉम के पास आया, उसने अपनी आँखें मली। ओके, ही रब्ड हिज आईज, उसने अपनी आँख मली। वाई टॉम, क्यों टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, बहुत ही आश्चर्य के साथ उसने बोला। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सेड नथिंग, टॉम ने कुछ नहीं कहा। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, और वो अपने मन जो है ऐसे लगा रहा जैसे उसको सफ़ेदी करना बहुत अच्छा लगता हो। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, और अपने काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा था। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिप्लाइड, बेन ने फिर रिप्लाई किया कि टॉम वाकई तुम काम कर रहे हो। ओ इट्स यू, अरे ये तुम हो बेन। आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तो तैरने जा रहा हूँ। यू डोंट वॉन्ट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते। डू यू, क्या तुम आना चाहते हो। यू लुक, यू लाइक वर्किंग डोंट यू, क्या तुम्हें ये काम करना पसंद है, तुम नहीं आना चाहते। ठीक है बेटा, अब इसकी नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे के पैरा को देखेंगे। ओके।